आवाज को साउंड तो खाए हेलो हेलो आवाज बढ़ा दी मेंबर नूर तशरीफ फरमा अहले सुन्नत के मुक्तदर मुअज्जज मुकर्रम उलमाए कराम शोरा मिल्लत इस्लामिया हाजरीन महफिल सलीम रज़ा को सोहबत सलाम के साथ कबूल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मेरी इस जलसे में हाजिरी हुई, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें, बख्शिश का जरिया बनाए। उससे पहले अभी आप समाअत फरमा रहे थे ख़तीब हिंदुस्तान मुफक्किर इस्लाम आलिम बाकमाल अल्लामा क़ारी सखावत साफ़िउल्लाह से आप बेहतरीन तकरीर समाअत फरमा रहे थे और उनसे पेशकर आपने मेरे बड़े भाई शायर हिंदुस्तान अली जनाब क़ारी शमीम फ़ैज़ साफ़िउल्लाह से बड़ी अच्छी अच्छी नातें आपने समाअत फरमाई। मैं चंद अशआर पेश कर रहा हूँ, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैक या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। सुनने के लिए तैयार हैं सब लोग? अभी मेरे बाद आप ख़तीब हिंदुस्तान शेर अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम अदीब बाकमाल हज़रत अल्लामा गुलाम जीनानी साफ़िउल्लाह से बेहतरीन तकरीर समाअत फरमाएंगे। तो एक मरतबा अगर सुनना चाहते हैं तो बता दीजिए हाथों को उठाकर, कितने लोग सुनना नहीं चाहते? सब सुनना चाहते हैं, जरा मुस्कुरा कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मास्टर साहब थोड़ा मैं बड़ा थका हुआ हूँ, आप मुझ पर थोड़ा रहम खाइए, मैं कमज़ोर भी हूँ, थोड़ा कमज़ोरी का भी लिहाज रखिए। जी जी हाँ, थोड़ा आवाज़ बढ़ा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, और आप भी अपना आवाज़ बढ़ा दीजिए, बढ़ाइए। हमारे इस स्टेज पर बड़े बड़ी काबिल शख्सियतें उलमा कराम तशरीफ रखते हैं, ये अहले सुन्नत का सरमाया है, अहले सुन्नत की शान है सब के सब, अल्लाह इन सबको सलामत रखे। मैं इन सब की दुआएं लेकर कलाम आला हजरत से एक मतला दो शेर पेश कर रहा हूँ, समाप्त करना है। साथ हो नवाज अल्लाह की सर तहबा कदम शान है ये इंसान है, इंसान वो इंसान है ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है, ईमान ये कहता है मेरी जान है, किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे ना कभी मेरा सफीना लिख दे, और जन्नत भी मिले आज मगर मेरे लिए, अरे ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे, ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे, तो उनकी महकिन दिल के शमीम भाई बिलखसूस आपकी तवज्जो दुआएं और मैं कराम नदी में अहले सुन्नत बड़े प्यारे हैं, कभी फाइट कभी टाइट कभी नाइट कभी वाइट, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, हाँ इनको भी टाइट रखे, बड़े दिलचस्प हैं और आप भी बड़े दिलचस्प हैं। ये इलाका बड़ा रजवी और सुन्नी बड़ा टनाटन मालूम हो रहा है, बड़ा दीवाना मालूम हो रहा है अपने नबी का और आला हजरत का, और ये कलाम भी आला हजरत का है। तो हमारे कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत की है, नाम तो मुझे याद नहीं है, शेठ कासू भाई भी है कोई यहाँ पर, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, अल्लाह ताला उनकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। तो मैं मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, मैं मुबारक बात पेश करता हूँ कि उनकी महकिन दिल के गुनचे 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 खिला दिए हैं, गुनचे खिला दिए हैं, गुनचे खिला दिए हैं, कि उनकी महकिन दिल के जिस राह चल दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं, जिस नारे तकबीर नारे रिसालत बस लगे आला हजरत औलमाए आले
सुभान अल्लाह बेशक कुछ बसा दिए हैं, कुछ बसा दिए हैं, मेरे कदीम से कर कतदा किसी ने मांगा बोलो ना, मेरे कदीम से मांगा तो दरिया दरिया बगा दिए हैं, बोलो दरिया बगा दिए हैं, तो रुबे बगा दिए हैं, दरिया बगा दिए हैं, दरिया बगा दिए हैं, तो रुबे बगा दिए हैं, जिस नाम से चलते हैं कुछ कुछ जोश रहमत पे उनके आंखें बोलो ना, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कुछ में प्रचार होना चाहिए, तू जब आ गई है जोश जोश रहमत पे उनके आंखें तो जलते बुझा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कुछ बसा दिए हैं, और अल्लाह 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 बोलो ना सुभान, अगर मुस्कुराकर बोलोगे तो डबल सुभान, इसलिए कि मुस्कुराना मेरे आका की सुन्नत है, एक तो मुस्कुराने का सवाब, दूसरा सुभान अल्लाह कहने का सवाब। अच्छा पीछे वाले बड़े खामोश हैं, मैं तो ये चाहता हूँ ऐसा हंगामा हो जाए ताकि नबी देख ले कि दीवाने मुझ पर कुर्बान होने के लिए तैयार है, और नबी ये भी देख रहे हैं कौन दिल से तैयार है कौन बेदिल से, जी 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 सुभान अल्लाह, कौन चदरिया तैयार है, अब देखना चाहते हैं, अब शेर समाप्त करवाइए कि अल्लाह का जहन्नम अभी न सर्द होगा, कि अल्लाह का जहन्नम सर्द होगा, और रो रो के मुस्तफा ने दरिया बगा दिए रे, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बगा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कुछ बसा दिए हैं, कुछ बसा दिए हैं, कुछ बसा दिए हैं, हमारे रहनुमा तुम हो, हमारे मुक्तदा तुम हो आका, और सुनेंगे जी जी जी, तैयार है तो मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह, हमारे रहनुमा तुम हो, हमारे मुक्तदा तुम हो, गरीबों पे सहारों के, गरीबों पे सहारों के शाह मुश्किल कुछ तुम हो, गरीबों पे सहारों के और अकेले बाब खबर को इरादा दे जो एक पल में, नबी को नाज जिस पर वो, नबी को नाज जिस पर वो, अली शेर खुदा तुम हो, नबी को नाज जिस पर
गरीबो अली शेर खुदा तुम हो गरीबो बेसहारो के और यजीदी जालिम का मिट गया नामो निशा जग से फरमाएंगे ये शेर समाप्त फरमाइए मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह और झूम के बोलिए अरे मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक तंग में जान हम ये काम करेंगे घर घर नबी के जिक्र को अब आम करेंगे जब तक जान हम ये काम करेंगे घर घर नबी के जिक्र को अब आम करेंगे बर्बाद थे बर्बाद है बर्बाद रहेंगे जो शहर पर तुझे बदनाम करेंगे जो शहर पर तुझे बदनाम करेंगे जो बज़्म मुस्तफा का एहतमाम करेंगे जो बज़्म मुस्तफा का एहतमाम करेंगे कौसर का नबी उनको अदा जाम करेंगे कौसर का नबी उनको अदा जाम करेंगे और महफिल में जो लगाएंगे नारा रसूल का महफिल में जो दीवाने जिन्होंने शेर मुकम्मल भी नहीं होने दिया अब देखना चाहता हूँ वो कौन सा दीवाना है जो शेर मुकम्मल होने के बाद नारा लगाएगा मैं तो ऐसे दीवानों के बारे में कहता हूँ जिन्होंने नारा लगाया था दीवाने को तकीर से दीवाना ना समझो दीवाना बड़ी सोच के दीवाना बना गए दीवाने को तो सारा जलसा देख रखा है और ये दीवाना ना जाने कहाँ देख रखा है जब तक तंग में जान हम ये काम करेंगे घर घर नबी के जिक्र को अब आम करेंगे बर्बाद थे बर्बाद है बर्बाद रहेंगे जो शहर पर तुझे बदनाम करेंगे और महफिल में जो लगाएंगे नारा रसूल का मरने के बाद कब्र में आराम करेंगे मरने के बाद नारे तकबीर अच्छा अभी पीछे वाले अभी सोच रहे हैं कि मशवरा करके बोलेंगे अच्छा एक शेर पढ़ रहा हूँ पीछे वालों की जानिब से आगे वालों ने कहा था कि घर घर नबी के जिक्र को हम आम करेंगे और पीछे वाले क्या कर रहे हैं सुना दो आपको अगर वो कहते होंगे तो बोलेंगे और नहीं कहते होंगे तो फैसला उनके हाथ है पीछे वाले क्या कहते हैं बल्कि कहते क्या है बल्कि ये मानते हैं कि जब तक ये जिंदगी है वफा करते रहेंगे जब तक ये जिंदगी है वफा करते रहेंगे हम सुन्नी सुन्नतों को अदा करते रहेंगे हम सुन्नी सुन्नतों को अदा करते रहेंगे जलसा सजा के हम तो मोहम्मद के नाम का जलसा सजा के हम तो मोहम्मद के नाम का महबूब की अदा को अदा करते रहेंगे और चलते हैं लाख चलते रहे नजदी बहावी चलते हैं लाख चलते रहे नजदी बहावी हम महफिलों में जिक्र रजा करते रहेंगे जिक्र रजा करते रहेंगे तो यजीदी जालिम का मिट गया नामो निशा जग से यजीदी जालिम का मिट गया नामो निशा जग से यजीदी जालिम का जग से जग से मगर चर्चे में अब भर घर मगर चर्चे में अब भर घर शहीद करबला तुम हो मगर चर्चे में अब भर घर शहीद करबला तुम हो गरीबों बेसहारों के और एक शेर गौसे आजम तक पहुंचा रखा अरे वो गौसे आजम जिनके नाम से आज दुश्मन का दिल दहल जाता है
तो आपका दिल मचल जाता है। तो मचलिए, थोड़ा आवाज बढ़ाइए, इसका आवाज आपका फिर कम होने लगा, और आप अपना आवाज बढ़ाइए, मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह। क्यों आंखें मन तलबो जो तेरी आलिया अल्लाह, बोलो ना सफर दिल में जब मैंने बनाया गौसे आजम का, जिधर देखा नजर आया नजारा गौसे आजम का, तमाम औलिया अल्लाह आए हैं जमाने में, सभी से है बुलंदी पर सितारा गौसे आजम का, इकट्ठा हड्डियां मुर्गे की करके जिंदा फरमाया, ये अंदाजे करामत है निराला गौसे आजम का। तुम न क्यों आंखें मले जब मेरे गौसल वादा तुम्हें गा, जगन चाहे विलायत जब मेरे गौसल वादा तुम्हें गा, गरीबों पे सहारों के, गरीबों पे सहारों के, गरीबों पे सहारों के, ये माना हुकूमत को ही कर ले सर जमीने हिंद पे लेके। वाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा बेशक। ये शेर मैं उलमा इकराम की जानिब से पहुंचा रखा हूं, अगर ये मुस्कुराएंगे तो मैं समझूंगा पूरा मजमा मुस्कुराएगा। सुभान अल्लाह बेशक। और ये हमारे सरों पे ताज है, अगर इन्होंने नवाज दिया तो इंशाल्लाह मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। और शेर भी सही नवाज तक पहुंचा रखा हूं। जब मनमोहन सिंह या कोई भी प्रधानमंत्री जब कुर्सी पर बैठने जाता है, कभी आपने तवज्जो की, कभी आपने गौर किया कि मतलब क्या है, बैठता है कुर्सी पे जाके, जाने से पहले करीम नवाज की चादर को क्यों चूमता है, क्यों जाता है चूमने के लिए है? तो मैंने कहा था कि हुकूमत को ही कर ले सर जमीने हिंद पे लेके, अगर आप समझेंगे तो तड़पेंगे इंशाल्लाह, कि हुकूमत को ही कर ले सर जमीने यकीनन हिंद के राजा, यकीनन हिंद के राजा मेरे पाचा पिया तुम्हें वहाँ, यकीनन हिंद के राजा नारे रिसालत खाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह बेशक। वाह वाह वाह। हाँ कहने के समझ में आया शेर क्या? सुभान अल्लाह। अच्छा अच्छा नुमाइंदगी कर रहे हैं कि हुकूमत को ही कर ले सर जमीने हिंद पे, लेकिन बोलो यकीनन हिंद के राजा मेरे पाजा पिया तुम्हें वहाँ, गरीबों पे सहारों के शाह मुश्किल कुशा तुम्हें वहाँ, और ये माना हिंद में इस्लाम को फैलाया बलियों ने, बुलबुल की चोंच में रगे गुल की फांस है, इन नजदियों के मुंह में बरेली का बांस है, तबा हमारे साथ है, तबा हमारे साथ, आका हमारे साथ है, बाबा हमारे साथ, नजदी ये अपने अपने मुकद्दर की बातें है, कौवा तुम्हारे साथ है, मुर्गा हमारे साथ, हमारे साथ। अच्छा अरे मुर्गा खाते तो मुर्गे हम तो ना कर दीजिए कम से कम। कि बुलबुल की चोंच में रगे गुल के फांस है, इन नजदियों के मुंह में बरेली का बास है, और काबा हमारे साथी है, तैबा हमारे साथ, आका हमारे साथी है, बाबा हमारे साथ, और नजदी अपने अपने मुकद्दर के बातें है, अरे कौवा तुम्हारे साथ है, मुर्गा हमारे साथ, तो ये माना हिंद में इस्लाम को, ये माना हिंद में इस्लाम को फैलाया बलियों ने, लेकिन
हाफिज दीनो इमा के, ओ हाफिज दीनो इमा के, इमाम अहमद रजा तुम्हें गो, ओ हाफिज दीनो इमा के, ओ हाफिज अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत, इल्म का दरिया, आला हजरत, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, वाह वाह मौला न पूछो बरेली से कहां मिल गया है, बोलो ना हाथों को उठाकर बोलो। शेर पढ़ रहा हूँ और शेर भी पढ़ रहा हूँ आला हजरत के शेर की बारगाह में, वैसे शेर आला हजरत की बारगाह में, और आला हजरत का वो शेर है, अभी नाम नहीं लूंगा आप तो समझ जाएंगे इंशाल्लाह। के खासा जो आलिमों के दरमियां में आजम न पूछो बरेली से क्या मिल गया है, जैसा से नबी का पता मिल गया है, मुझे नदियों का नबी का जब से बरेली का अख्तर राजा मिल गया है, बरेली का अख्तर राजा मिल गया है, बरेली का अख्तर राजा मिल गया है, तो खजा जो आली पके आजम, जिस सीने लगाते हैं, जिस सीने लगाते हैं वही अख्तर राजा तुम्हें गो, जिस सीने लगाते हैं, जिस सीने अख्तर राजा तुम्हें गो, बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह गरीबों पे सागरों के, गरीबों पे सागरों के, क्या मुश्किल कुछ तुम गो, ये सब फैजान है चश्मे करम है आला हजरत के, जब बरेली का नाम आता है मेरे लब पर सलाम आता है, तो आता है इश्क अहमद रजा में जीता हूँ मैं, बरेली का एक चीता हूँ इसलिए बाजुओं में दम है मेरे, मैं बरेली का दूध पीता हूँ, तो ये सब फैजान है चश्मे के, सलीमे ता तेरी महफिल, सलीमे ता तेरी महफिल में जो मेरे हद सारा तुम्हें गा, सलीमे ता तेरी महफिल में जो मेरे हद सारा तुम्हें गा, गरीबों पे सगारों के क्या मुश्किल कुछ तुम गो, इश्क नबी को दिल में बसाया हुसैन ने, इधर वाले क्या पाकिस्तान से है क्या? नहीं नहीं हिंदुस्तानी है। अच्छा बड़े खामोश बैठे हुए हैं, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। जीना है इस दौर में कोहराम मचा दो, अरे कोहराम मचाइए, दिल पे चोट लग रही है, अरे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। देखिए जब दिल पे चोट लगती है तो आवाज निकलती है, और जब आवाज निकलती है तो कोहराम मच जाता है, और तो कोहराम मचाएंगे इंशाल्लाह, नहीं मचाएंगे, नबी की मोहब्बत में कोहराम भी बेड़ा पार होने का सबब बन जाएगा इंशाल्लाह, जब बेड़ा पार हो गया तो हमारी ये महफिल कामयाब हो गई। तो सुनिए, इश्क़े नबी को दिल में बसाया हुसैन ने, बसाया हुसैन ने, इश्क़े नबी को दिल में बसाया हुसैन ने, बसाया हुसैन ने, इश्क़े नबी Hey!
ظالم یزیدیوں سے بچایا حسین نے بچایا حسین نے ظالم یزیدیوں سے بچایا حسین نے بچایا حسین نے سب کچھ نبی کے نام پہ قربان کر دیا سب کچھ نبی کے نام پہ قربان کر دیا کہ سب کچھ نبی سب کچھ نبی کے نام پہ قربان کر دیا قربان کر دیا لیکن باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے جھکایا حسین نے باطل حسین نے جھکایا حسین نے بھوکے پیا سے رہ کے سبھی ہو گئے شہید بولیے کہ بھوکے پیا سے رہ کے سبھی ہو گئے شہید کہ بھوکے پیا سے نبھایا حسین نے نبھایا حسین نے نانا سے کیا وعدہ نبھایا حسین نے نبھایا 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 حسین نے کٹ جائے سر نہ سر جو کے باطل کے سامنے بولیے تڑپ کر بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جھوم کے بولیے رسول اللہ بھائی اس کا آواز بڑھائیے اگر آواز بڑھا دیں گے تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا کہ کٹ جا سر نسر جھکے باطل کے سامنے کٹ جا سر نسر جھکے باطل کے سامنے کہ کٹ جا باطل کے سامنے باطل کے سامنے کیوں کہ یہ کربلا میں نعرہ لگایا حسین لگایا حسین نعرہ لگائیے تو پورا نعرہ رسالت مسلک کے اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان زندہ باد خواجہ کی باری بھی آ رہی ہے انشاءاللہ ابھی سنام کا غریب نواز کے منقبہ سے آخری شعر سن لیجیے اور مسکرا کر بول دیجیے سبحان اللہ حیدر والے نعرے لگا رہے ہیں حیدر والے بڑے خاموش ہیں ایک شعر ادھر سے پڑھ رہا ہوں بدل کر بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ لوگ خاموش رہیں اب ادھر والے بولیں گے اس شعر کو سن کر آپ لوگ خاموش رہیں لیکن اگر ہو سکے تو آپ بھی بھول جائیے سماعت فرمائیے کہ ظالم یزیدیوں سے بچایا حسین نے بچایا 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 حسین نے اسلام تیری لاج بچانے کے واسطے اسلام تیری لاج بچانے کے واسطے اسلام اسلام تیری لاج بچانے کے واسطے بچانے کے واسطے کربل میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے کٹایا حسین نے کربل میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے کٹایا حسین نے اسلام تیری لاج بچانے کے واسطے بچانے کے واسطے بچانے کے واسطے کربل میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے کٹایا حسین نے ظالم یزیدیوں سے بچایا حسین نے بچایا حسین نے دلی راجستان تمہارا یا خواجہ آخری منقبہ تو اس کے بعد رخصت ہو رہا ہوں آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں کچھ لوگ گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں اس بار وہ سمجھ رہے ہیں کہ اصلی نظر ہٹ ہی نہیں رہے ہیں محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ جلدی ہٹ جاؤں گا بس بہت تیزی سے پڑھ رہا ہوں اچھا ارے ٹھیک 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 بہرحال دو شعر ملاحظہ فرمایا پہلے اس کے بعد دیکھا جائے گا انشاءاللہ محبت سے بولیے یا رسول اللہ کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ
वही समझ कोई तसव्वुर में रखें आप मनमोहन सिंह वाली बात कि दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या बाजा कि दिल्ली हिंदुस्तान तुम्हारा या पाजा दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या पाजा खुश में सागर सारा भर जाता है कि खुश में सागर सारा भर जाता है कि खुश तुम्हारा या पाजा सुन करके परमान तुम्हारा या पाजा भारत में इस्लाम नजर जो आता है अरे ख्वाजा के नाम पे बोलिए हाथों को उठाकर झूम के बोलिए और दाब के बोलिए कि भारत में एहसान तुम्हारा या पाजा ये है सब एहसान तुम्हारा या पाजा मेरे पाजा मेरे पाजा दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या पाजा मेरे पाजा पाजा छोड़ो हाथों को उठाकर बोलो वैसे मैंने मनमोहन तो कर दी थी लेकिन दो शेर दो शेर मुनादा फरमा लीजिए फरमाइश के मुताबिक बस उसके बाद आप तैयार हो जाएगी ज्यादा टाइम लेने का मैं कायल तो नहीं हूँ लेकिन बहरहाल अल्लाह कबूल फरमा ले अगर कबूल फरमा ले तो बेड़ा पार हो जाए कि जब कभी जलवा दिखा देते हैं गौसे आजम जब कभी जलवा दिखा देते हैं गौसे आजम जब कभी जलवा दिखा देते हैं गौसे आजम जब कभी जलवा बिगड़े सबकी बिगड़े को बना देते हैं गौसे आजम सबकी बिगड़े को बना देते हैं गौसे आजम मेरी बिगड़े को बना देते हैं गौसे आजम सबके बिगड़े को बना देते हैं गौसे आजम और वो जमाने सो रहे हैं नींद आ रही है इनको घर जाना चाहिए हाँ इनको नींद आ रही है हो सकता है ये नबी के इश्क के जाम को पीकर सो गए हैं बहरहाल जैसा भी हो लेकिन इनको थकना चाहिए कि वो जमाने में जो हिदारी पतर भटकता रहे वो जमाने जिसको चौखट से भगा देते हैं गौसे आजम जिसको चौखट से भगा देते हैं गौसे आजम सबके बिगड़े को बना देते हैं गौसे आजम मेरे बिगड़े को बना देते हैं गौसे आजम वो जमाने के सारे रंज भूल जाता है ये आखिरी शेर है और आपकी दुआ चाहता हूँ कि वो जमाने के दर्दों
वाला मके मारो हुए क्या देते गए, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते गए। बंदा बनना खुदा का तो गदा बन उनका, जो फकीरों को शगन चागा बना देते गए। तो वो जमाने के सारे रंज भूल जाता है, वो जमाने के जाम पिला दे दे गौसे आजम, जिसको एक जाम पिला दे दे गौसे आजम, मेरी बिगड़ी को बना दे दे गौसे आजम, जबकि बिगड़ी को बना दे